तो भाई लोग, आज हम खेलने वाले हैं GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस्ड। और भाई इस वाले गेम में क्या है, GTA 5 के बाद की जो स्टोरी थी ना वो जाके कंटिन्यू होती है, और ग्राफिक्स भी से काफ़ी सही है GTA 5 से। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो जेडाई फॉलन ऑर्डर को तो तुमने कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखाया, इसलिए मैं ये गेम लाया हूँ। और सही बताऊँ तो इस हफ्ते शॉर्ट भी नहीं आ पाया, क्योंकि भाई ये पूरा हफ्ता जो है ना मेरा इसी के उसमें चला गया। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अभी गेम चालू हो चुका है तो खेलते हैं। ठीक है, और भाई लोग अब तो तुम्हारा फेवरेट गेम आ चुका है GTA 5, ज़्यादा बंदों का फेवरेट है यार। तो देखो लाइक कमेंट शेयर वे सब भर के हो जाना चाहिए, है ना, मजा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे कि GTA है ना। GTA से भी भाई तगड़ा गेम GTA 5 एक्सपेंडेड एनहेंस्ड कुछ ही दिन पहले आया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नया गेम है और ग्राफिक्स भी काफ़ी तगड़े हैं। तो गेम जब शुरू होगा वो तो जब देखेंगे। और इसमें भाई GTA 5 की जो भी स्टोरी थी उसके आगे से स्टोरी कंटिन्यू होती है। और हाँ भाई, अगर तुम्हें जेडाई फॉलन ऑर्डर की वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तुम्हारी कुछ खास रिस्पांस वगैरह था ही रीच थी नहीं, तो इसलिए अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग सब कमेंट कर दोगे और मुझे लगेगा कि हाँ अच्छी खासी डिमांड आ रही है तो बनाएंगे फिर वीडियो जेडाई फॉलन ऑर्डर की। 20 कमेंट कर दो ऐसे, जेडाई फॉलन ऑर्डर लिख के 20 कमेंट अगर आ गए तो आएगी वीडियो। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 20 बंदे तो होने चाहिए ना वीडियो शेयर लाइक वाइक करने के लिए, है ना, जब तो जी करेगा बनाने का। और नहीं तो भाई GTA 5 तो अब कंटिन्यू होने वाली है। और भाई अगर इस हफ्ते मतलब अगले सैटरडे तक 20 कमेंट नहीं आए इन टोटल, तो फिर जेडाई फॉलन ऑर्डर आगे कंटिन्यू नहीं होगी भाई, परमानेंटली खत्म हो जाएगी इसकी सीरीज। देख लो, अगर चाहिए हो तो बता दो, नहीं चाहिए हो तो भी कोई नहीं, GTA तो कंटिन्यू रह नहीं रहने वाली है, बस सपोर्ट दिखा देना इससे भी अच्छा सा। ठीक है, इतना डिजर्व करता ही हूँ मैं। तो भाई लोग, हम आ चुके हैं अपने गेम में, और भाई ग्राफिक्स तो देख लो है काफ़ी सही लग रहे हैं, एक्सपेंडेड एंड एनहेंस्ड है GTA 5, तो भाई ग्राफिक्स तो एनहेंस्ड है, मैप वही है GTA 5 वाले, लेकिन ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा एनहेंस्ड है। और एक तुम्हें ये दिख रहा होगा साइड में मैप जो आ रहा है, इसमें ही फ़र्क है, क्योंकि भाई एकदम सैटेलाइट मैप आ रहा है। मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई सैटेलाइट मैप आ रहा है पूरे लॉस सैंटोस का हमारे पास। भाई ये है अपना घर। तो भाई क्या है इसकी बैक स्टोरी अभी हमें पता लगी, तो GTA 5 के बाद ना माइकल जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। ये भाई नया घर है, ये देख लो भाई माइकल की फेवरेट जो है लैम्बोर्गिनी सियान, और एक ये भाई लाल चितड़े वाली रोल्स, काली रेंज रोवर, ये है पोर्श की 919, ये भी भाई काफ़ी तगड़ी सुपर कार है, हाइब्रिड कार है ये। और भाई ये है LA फरारी, ये है अपनी लैम्बो उरुस, और भाई लोग ये है निंजा H2R जो भाई दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बाइक है। खैर, मैं तुम्हें स्टोरी के बारे में बताया था। तो भाई GTA 5 के बाद में जो तीनों बंदे थे, माइकल, फ्रैंकलिन, ट्रेवर और भाई चौथा लेस्टर भी, ये सारे के सारे अलग हो गए थे एक दूसरे से, क्योंकि भाई इन्होंने काफ़ी बड़ा हाथ मारा था, बहुत ज़्यादा क्राइम व्राइम कर रखे थे, पूरी तबाही मचा रखी थी लॉस सैंटोस में, क्योंकि भाई इन्होंने सबूत वबूत तो सारे मिटा दिए थे जो इन्होंने क्राइम करे थे उनके। लेकिन क्या है, पुलिस वाले फिर भी इनके पीछे पड़ रखे थे और नकली सबूत बनाने लग रहे थे इस टाइम पे। फिर क्या है, लेस्टर ने भाई मामले की गंभीरता को समझते हुए, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था उसके साथ में मीटिंग करी, उसने कहा था कि भाई वो हमें बचा तो लेगा और किसी भी पुलिस को इसको नकली सबूत नहीं बनाए देगा ना ही हमारे पीछे आने देगा, लेकिन बदले में इन तीनों बंदों को मतलब चारों बंदों को बेसिकली अलग होना पड़ेगा एक दूसरे से, और ये एक दूसरे से मतलब वास्ते नहीं रखने के सारे अलग अलग रास्ते चले जाएंगे और एक आम आदमी की जिंदगी जिएंगे। तो भाई लेस्टर ने तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की पहल करी, क्योंकि अगर लेस्टर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कहता तो क्या पुलिस हमारे पीछे पड़ी जाती और भाई नकली सबूत वबूत इम्प्लांट कर देती, और भाई नकली सबूत वबूत प्लांट करके अब की बार हमें लंबाई फंसा देती, और भाई पूरी आर्मी और भाई FBI, CIA सब के सब हमारे पीछे पड़ जाते, एक तरह से US के अगेंस्ट जाना हो जाता, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाता। और भाई हमारी बात पॉलिटिशियन ने इसलिए मान ली क्योंकि वो हमें ख़त्म तो कर देते, लेकिन क्या है उसमें US का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता भाई, जैसे पैब्लो एस्कोबार के टाइम पे हुआ था कुछ ऐसा ही सीन हो जाता, तो वो सीन ये लोग दोबारा से चाह रहे थे जो गवर्नमेंट वाले थे, तो इसलिए इन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि जो हमने करा था भाई वो तो अब रिवर्स हो नहीं सकता था, तो इसे क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना ही सही समझा, और ये कह दिया कि भाई आगे से बिल्कुल कोई क्राइम व्राइम नहीं होना चाहिए। और नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि माइकल ने पैसे वैसे तो काफ़ी कमाई लिए थे सारे बंदों ने, इतनी सारी हाई स्टोरी ये सब कर करके, तो भाई अभी ये जो घर है पूरा का पूरा है माइकल का ही है, तो क्या है हमें औरों की तो स्टोरी पता नहीं, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल अलग हो गए थे एक दूसरे मतलब वास्ते भी नहीं रखना था इन लोगों को, तो हमें बस माइकल की कहानी पता है। तो उसके बाद में क्या है, माइकल ने भाई मूवी वूवी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और सिमियन जो है उसके साथ में कार का बिजनेस चालू कर दिया भाई, उसकी कार की डीलरशिप को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी सारे पैसे दे के और 50% इक्विटी ले ली थी उसकी, तो इस वजह से काफ़ी सही बिजनेस हो गया अभी अपना भाई। सिमियन की कार डीलरशिप से अपने काफ़ी पैसा वैसे मिल जाता है, और मूवीज़ भी बनानी शुरू कर दी, और भाई 2-3 थिएटर भी खरीद रखे हैं माइकल ने अभी लॉस सैंटोस में, तो काफ़ी सही काम चल रहा है भाई, काफ़ी पैसा है अपने पास,
और भाई इस वाले गेम में हम जिमी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं भाई, माइकल का जो लौंडा था जिमी। और ये है भाई अपना घर। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ भाई, क्या तकड़ा घर बना लिया इन्होंने आइस फाइस्ट करके। तो भाई ये तो बाहर पार्किंग थी जिसमें अभी तुमने सारी की सारी गाड़ियाँ देखी, ठीक है। ये भाई साइकिल है जिमी की पुरानी, ये अभी तक ऐसी कैसी है, ठीक है। ये है भाई एंट्रेंस, और यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये गेमिंग पीसी है जिमी का, टीवी लग रखा है स्टैंड पे, जो मतलब माउंट नहीं होता सीलिंग माउंट, उस पर टीवी लग रखा है। यहाँ मैं सोफे बैठ कर आराम से टीवी भी देखने का सीन है। और भाई अगर हम इसी इलाके के पीछे चले जाते हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे है एक हेलीपैड, भाई घर में एक पर्सनल हेलीपैड भी है। और भाई ये देखो यहाँ पे एक दूसरा हेलीपैड भी है, ये खाली पड़ा है अभी, जैसे कोई गेस्ट वेस्ट आता है और उसका हेलीकॉप्टर लैंड होना हो तो उसके लिए ये हेलीपैड है। यहाँ पीछे सोलर पैनल भी लग रहे हैं, यहाँ से नीचे जा सकते हैं गेस्ट लोग मिलने। ये पीछे ऐसे ही सनबात करने के लिए इलाका है, यहाँ आराम से सनबात कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। यहाँ भाई डाइनिंग एरिया है, अगर खुले में खाना खाना हो तो भाई यहाँ पे है सिस्टम। यहाँ पे भाई इस बंदे को खाना बनाने के लिए भी अपॉइंट कर रखा है हमने, ठीक है। अभी नीचे चलते हैं। तो भाई ये जो जिन्ना है ये एक तरह से तुम कह रहे होंगे कि बाहर को जा रहा है, लेकिन नहीं ये बाहर नहीं जा रहा, ये जो है मतलब जा तो घर के बाहर रहा है एक तरह से, लेकिन ये अपने ही इलाका है, यहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखी, ये ओपन एरिया है, लेकिन भाई प्रॉपर्टी अपनी है ये, यहाँ पेड़ वेड़ लगा रखे हैं मस्त, एक ओपन एरिया। यहाँ पे भी अगर भाई बैठ के चाय वाय पीनी हो सुबह को तो वो पी सकते हैं। और यहाँ पे जो है सारे बंदे जितने भी हैं सबके पर्सनल रूम भी आ जाते हैं अंदर, ठीक है भाई। ये तो है अपना कमरा, यहाँ पे एक जो है PS5 का सिस्टम लग रखा है पूरा। भाई यहाँ पे है अपना बेड, ये गेमिंग PC। अभी भाई जी मेरे कमरे से बाहर चलते हैं। ये जो है ये गेस्ट रूम है, अगर कोई भाई बंदा अपने यहाँ रहने आता है गेस्ट, रात को रुकना सीन बनता है उसका, तो उसके लिए। ये भाई ट्रेसी का कमरा है, ट्रेसी बैठी है यहाँ पे मस्त। ये है भाई माइकल का कमरा, यहाँ पे तुम देखोगे भाई डबल डोर का सेटअप लग रखा है, ठीक है। इसी कमरे में आने के लिए दो दो किवाड़ लगा रखे हैं। खैर भाई बेड देखो इसका कितना बड़ा है, यहाँ पे भाई फुल प्रोजेक्टर लगा रखा है मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, क्योंकि भाई बंदा प्रोड्यूसर है तो अपनी मूवीज़ ऐसे बड़ी स्क्रीन पर देखता है एकदम, ठीक है। और ये एक झाड़ भी लगा रखा है कमरे में, ठीक है। और ये भाई टॉयलेट, भाई यहाँ पे एक और बड़ा सा टीवी है, क्योंकि बंदा प्रोड्यूसर है तो पूरा सिस्टम है भाई, यहाँ पे बंदे आराम से आके बैठते हैं भाई। गेस्ट ड्राइंग रूम है, और ये भाई एक लिफ्ट जैसा डोर है, इसके अंदर भाई टॉयलेट है, ठीक है। किसी को जाना हो तो ऐसा लिफ्ट जैसा डोर लगा रखा है। और ये भाई यहाँ पे वो लगा रखा है पूल का सिस्टम, जो ऐसा पूल नहीं खेलता ऐसा लट्ठा मार के वो। और भाई ये आ गए नीचे वाले फ्लोर पे इसके। तो भाई यहाँ पे जो है ये पूरी पहाड़ की शेप बना रखी है, यहाँ पे हमने जो ऐसा पहाड़ का पूरा वो बना रखा है कटआउट सा, जैसे पहाड़ घर के अंदर आ रहा हूँ, तो ये आर्टवर्क है काफ़ी सही। और ये है भाई गैराज, ये गैराज जो है ये बेसिकली उन बंदों के लिए जो यहाँ पे काम वाम के लिए आते हैं। और मतलब सामने ये एक एंट्री से तो हम घुसे थे, एक एंट्री ये है, ये भाई जितने ही प्रोफेशनल बंदे आते हैं। ये नीचे वाला जो इलाका है पूरा, ऊपर का तो पूरा रेजिडेंस है, ये नीचे का जो है ये पूरा ऑफिस है, जो ये वाला फ्लोर है। यहाँ पे भाई जो जिसे भी माइकल से मूवी से रिलेटेड ऑफिस ऑफिस का कोई काम होता है वही बंदे आते हैं इस एंट्रेंस से। और भाई इस गैराज में ये है अपनी सारी की सारी कार्स। भाई ये तो है अपना इस टाइम का पर्सनल और सबसे फेवरेट व्हीकल, सोने की है भाई ये कार, लैम्बोर्गिनी टैजो। भाई ये जो है भाई की सेटिंग ने दी थी, हाँ मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं, लेकिन भाई की एक सेटिंग भी है, वो भाई एक सेक की लौंडिया है, दुबई में रहती है वो। और भाई उसके बाप के जो है तेल के कुएं हुए हैं, काफ़ी तकड़ा बिजनेस है। तो भाई हम उससे एक पार्टी में मिले थे, उसके बाप की थी कोई पार्टी, तो माइकल किसी बिजनेस डील के लिए गया था, तो जब हम उससे मिले थे तो भाई जब भाई की सेटिंग हो गई थी उस पार्टी में उससे, और अभी कुछ दिन पहले भाई का बर्थडे था, तो जब उसने ये कार दिया भाई सोने की एकदम लैम्बोर्गिनी टैजो, भाई उस लोंडिया के बाप की एक स्पेशल कलेक्शन में से है ये कार, उसने हमारे लिए अपने बाप से कह के भाई स्पेशली ली है। और भाई वैसे तो हमें इसके प्राइस का नहीं पता, लेकिन हमने जो है सिमियोन से बात करी थी तो उसने कहा था कि कम से कम भी आराम आराम से बिल्कुल ये $20 मिलियन में तो आराम से जाएगी भाई, पूरे के पूरे सोने की है। और ये है अपनी लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो, ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा रेयर कार है, लेकिन ये जो है ये हमारी पहले थी पर्सनल व्हीकल, जब लैम्बोर्गिनी टैजो अभी मतलब बर्थडे से पहले जब तक लैम्बोर्गिनी टैजो नहीं मिली थी तब तक ये थी हमारी पर्सनल व्हीकल लैम्बोर्गिनी की सेस्टो एलिमेंटो, भाई काफ़ी ज़्यादा महंगी और रेयर कार है। ये है भाई फरारी की F1 रेसिंग कार, ये भाई बहुत तेज भगती है। और भाई अभी हमने कुछ दिन पहले F1 रेसिंग में पार्टिसिपेट करा था तो जब ली थी हमने ये, और इससे हम रेस जीत भी गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज है। और ये भाई दो कार माइकल की खड़ी हैं,
काफ़ी तगड़ी कार है, ये भी सुपर कार है भाई, काफ़ी तेज भगती हैं। और भाई लोग ये वाली जो दोनों बाइक हैं दोनों माइकल की हैं, H2R तो हमारी पर्सनल बाइक है और ये दोनों माइकल की बाइक हैं। और भाई अब चलते हैं नीचे। हाँ भाई, पूरी दीवार पे जो है कटआउट बना रखा है पहाड़ का, एकदम तकड़ी सी नेचुरल सी फील देने के लिए। और भाई ये है मेन ऑफिस, भाई पूरा बिजनेस का सिस्टम यहीं से चलता है। थोड़े बहुत वेपन के भी क्रेट्स रखे हैं यहाँ पे एक दो नीचे छुपा के, लेकिन बाहर भाई कैश वैश रखा हुआ है और बाकी सारा मूवी से रिलेटेड सामान रखा है। ये है भाई मीटिंग हॉल, मीटिंग चलती है यहाँ पे मस्त। और ये भाई छोटा सा बार भी है, अगर भाई कोई मीटिंग से बोर हो जाए, उसे बार में इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। और भाई ये जो है चेयर है ये है माइकल की, माइकल भाई यहीं पे बैठता है, ऑफिस है ये माइकल का, अभी तो खैर कहीं गया हुआ है बाहर। ये है भाई बाहर, क्या कहते हैं, अगर खुले बैठ के मीटिंग करनी हो तो उसके लिए। और यहाँ से देखो आप पूरे लॉस सैंटोस का व्यू आता है, मैं तुम्हें स्नाइपर से दिखाता हूँ, दूर दूर तक का भाई व्यू आता है। वहाँ भी कोई बिल्डिंग में बंदा होगा ना भाई, उसे भी हेडशॉट दे सकते हैं हम। आज तो थोड़ा सा कोहरा वोहरा सा हो रहा है, बादल से है मौसम में काफ़ी ज़्यादा। हेलो, तो अभी हमारे पास माइकल का फ़ोन आया है और उसने हमें बुलाया अपने किसी काम के लिए, अपने एक मूवी थिएटर के बाहर। तो चलते हैं मस्त अपने पर्सनल व्हीकल से। ये भाई भक्ति बहुत तेज है इसलिए इधर उधर ठोक देती है, वो मैं इसे ठोकना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अगर इसका जरा सा भी एक्सीडेंट हुआ ना तो भाई बहुत महंगा पड़ने वाला है। 20 मिलियन की कार है यार, हल्की बात थोड़ी है। ठीक है भाई, तो अपने को सेट जाना है और एक बार इस बहाने तुम्हें स्पीड टेस्ट भी करके दिखाते हैं इसका तकड़ा सा। ओह भाई बहुत तेज भग रही है, मैं जैसी एक्सीलरेट भी नहीं कर रहा इसे ढंग से, जब भी इतनी तेज भग रही है। वैसे तो इसके अंदर सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है, तो ये अपने अंदर से एक फ्लूइड सा होता है, उसे निकाल के भाई खुद को ठीक कर लेती है अगर कोई छोटा मोटा स्क्रैच आ जाए तो। हाँ, लेकिन अगर हमने बड़ा एक्सीडेंट कर दिया इसका तो नहीं ठीक होने वाली फिर। ठीक है भाई, तो पास में था मूवी थिएटर और हम पहुँच भी गए, अभी पार्किंग यहीं लगा देते हैं यार साइड में। भाई वैसे भी सोने के लिए हम वो देख के तो वैसे भी कोई नहीं रोकता, सो सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा वीआईपी होगा। यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट में लाइट थोड़ी सी कम है, से देखो क्या चमक क्या आ रहा है इसका रंग। और भाई लाइटें वाइटें भी काफ़ी अच्छी लग रखी हैं अंदर। तो भाई अभी हमारी माइकल से बात हुई है और उसने हमारे से कहा है कि हम स्ट्रिप क्लब जाके किसी मॉडल वॉडल को लाएँ, उसकी मूवी में कोई सीन है ऐसा। उसने कहा कि भाई वो खुद तो एक रेप्यूटेड बंदा है तो खुद तो नहीं जा सकता वहाँ पे उसे लेने, तो हमें जाना पड़ेगा उसकी जगह। भाई हमने भी कहा था कि भाई सेटिंग हो रखी है, तो अगर उसे पता लग गया भाई से एक किलोमीटर वैसा है तो पता नहीं क्या करेगी भाई, और लड़ाई वड़ाई बच जाएगी, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है, ब्रेकअप ब्रेकअप हो जाएगा। तो भाई वो कह रहे हैं कुछ नहीं होने का, मैं देख लूँगा जो भी होगा। भाई यार अब जाना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है माइकल का मूवी के बिजनेस में पूरा पूरा साथ देते हैं, तो ऐसे ये मान लो असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं हम। ठीक है भाई, पैसा वैसा माइकल डालता है, लेकिन जो भी सेटअप करने होते हैं मूवी के लिए वो हम ही करते हैं। ओए भाई यहाँ देखो यार, ब्रिज के नीचे क्या लुक आ रहा है गाड़ी का, काफ़ी तकड़ी लग रही है यार। पहुँच गए भाई अपने स्ट्रिप क्लब पे, भी आए तो नहीं चाहे थे लेकिन भाई आना पड़ा। तो भाई लोग यार अभी काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो गया यार, शेख की लोंडिया जो है ना भाई, वो क्या कहते हैं अभी भाग रही है आगे आगे हमारे, और हमें उसे फॉलो करना है। तो हम भाई उसे मॉडल को लाते हुए इसे दिख गए थे, और ये जो है एकदम, हमने बताया भी कि काम से रिलेटेड था, तो ये जो है कहके कि हाँ मुझे पता है किस काम से रिलेटेड था, वो भाई भाग गई। और भाई इसने हमें यही बताया कि इसे हमारे साथ कुछ गड़बड़ लगती थी, हम इसका फ़ोन वोन नहीं उठा पाते थे भाई काम की वजह से, तो इसलिए इसने हमें इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट करी थी जिससे कि हमें ट्रैक कर सके सारे टाइम। और भाई इसके अंदर इसने ट्रैकर लगवा रखा था, और अभी जब ये हमारे से मिलने आई थी तो ये इसी गाड़ी को ट्रैक करते करते यहाँ पहुँच गया, इसे हम भाई उसे लाते हुए दिख गए। भाई माइकल के काम में अब ये मतलब फंस गए हम, और अभी हम इसे समझाने के लिए इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ठीक है भाई लोग, तो अभी हम शेख की लोंडिया का पीछा करते करते एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। और ओ भाई ये तो अपनी सिक्योरिटी के पास पहुंच गया, भाई इसने अटैक करने के लिए बोल दिया हमारे ऊपर। ओ भाई अभी इसने बंदों से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कह दिया, भाई भाई गाड़ी भी तो फोड़ दी इन्होंने, और अभी हमारे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, इससे पहले क्या कहते हैं हम इन्हें फोड़ देते हैं भाई। और भाई अभी हमें हेलीकॉप्टर से तो कम खतरा है, लेकिन इनसे टैंकों से हमें मेन खतरा है इस टाइम पे। ठीक है, वो वाला खत्म हो गया, इस वाले को भी फोड़ देते हैं। ठीक है भाई, अरे अरे भाई 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 ओ भाई फाइनली यार, कितने तोड़ कितने एकदम से भाई धमाधम हो गई थी भाई, गाड़ी फोड़ दिया इन्होंने। ये तो अच्छा हो भाई हम सही टाइम पे निकल गए थे, एकदम से गाड़ी से कूद गए थे, बम पड़ते ही, नहीं तो भाई गई थी गाड़ी, गाड़ी तो गई, हम भी गए थे साथ में।
ठीक है। फिर भाई हमें क्या है, टैंकों से ज़्यादा खतरा था हेलीकॉप्टर तो, क्योंकि होमिंग लॉन्चर थे उसके पास, वो हीट सीकिंग मिसाइल होती हैं, तो वो तो भाई गाड़ी को ही मार पाया हेलीकॉप्टर, लेकिन भाई टैंकों से हमें बहुत ज़्यादा खतरा था, तो इसे सबसे पहले हमने टैंकों को ही फोड़ा, बाद में हेलीकॉप्टर को मारा। तो भाई लोग यार अभी जो है शेख की लौंडियाँ भाई इतने बम धमाके हुए उसमें फट गई और भाई मर गई वो इस टाइम पे, और अभी भाई इस बंदे की गांड फट रखी है अपना जो कैरेक्टर जिमी इसकी, कि भाई पता नहीं क्या होएगा, क्योंकि भाई शेख बहुत पावरफुल बंदा है, तो मुझे लगता नहीं वो इसे छोड़ने वाला है आसानी से। खैर भाई अभी क्या कहते हैं, गाड़ी तो फट चुकी है अपनी, तो टैक्सी बुलाते हैं कैब और चलते हैं घर, देखते हैं भाई क्या सीन होता है आगे, गड़बड़ हो गया काफ़ी ज़्यादा जरासी मिसअंडरस्टैंडिंग में। तो भाई यार अभी जो है काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो गया है, हम भाई घर पे आए थे अपने माइकल के पास भाई बातचीत करने के क्या क्या हो गया, अब हम कैसे बच सकते हैं इस सब से, जो शेख हमारे ऊपर हमला करेगा उससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ और भी ज़्यादा गलत सीन हो गया, मैं बताऊँ हुआ क्या था। तो भाई क्या हुआ, हम जैसे घर पे आए थे बताने माइकल को कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, तब तो हमें बचने का तरीका जानना है, तो भाई माइकल ने जो है हमारे से लड़ना शुरू कर दिया, और हमने कहा कि जो भी हुआ इसी की वजह से तो हुआ, तो ये कह के नहीं मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, अगर जो मैंने कहा था वो तुमने फॉलो करा होता मेरी बात को तो ये सब होता ही नहीं। और अभी क्या कहते हैं भाई, शेख का पहले फ़ोन आ गया था माइकल के पास में, इसलिए वो उसे पहले सारी बात का पता लग गया था, मतलब ज़्यादातर का, और शेख ने जो है इसे पहले ही बता दिया था, और उसने ये भी कही थी कि भाई या तो वो हमें अपने हाल पे छोड़ दे, मतलब ना हमारी कोई हेल्प करे ना हमें उससे बचाए, जिससे कि भाई वो हमें ठोक सके आसानी से, नहीं तो शेख जो है उसे उसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है ही, अगर मतलब उसने ये कही थी कि अगर माइकल बीच में आया ना तो भाई वो उसे भी ठोक देगा, पहले उसका बिजनेस ख़त्म करेगा, फिर ट्रेसी और मेंडा को ठोकेगा, उसके बाद में भाई माइकल को भी ठोक देगा, तो इसलिए भाई माइकल ने कह दी कि अब क्या कहते हैं मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है, और भाई अब चला जा, तो अब क्या कहते हैं हमारे पास भाई कुछ भी नहीं बचा इस टाइम पे, भाई एक गाड़ी तक नहीं आया, पर्सनल व्हीकल अपना पहले डिस्ट्रॉय हो गया, और भाई हमें कोई घर से भी गाड़ी वाड़ी नहीं लाने दी माइकल ने, जो जितनी भी अपनी पर्सनल व्हीकल थे एस्टुआर या जो भी है कुछ नहीं लाने दिया, ठीक है। और भाई क्या है, यहाँ पे हम कोई गाड़ी चुरा भी नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी वेपन नहीं है, ये देख लो भाई कोई वेपन नहीं है अपने पास, खाली ये एक हाथ है ऐसे गुट मार सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और भाई यहाँ के जो बंदे हैं ना वो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब अगर अपने पास कोई वेपन हो तो गाड़ी दे देते हैं आराम से, लेकिन अगर वेपन ना हो तो भाई मारते हैं बढ़िया करके, तो इसलिए क्या कहते हैं अभी हम कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं चुरा सकते सड़क से, ऐसे पैदल जाना पड़ेगा जहाँ भी जाना पड़ेगा, ठीक है। कैश अपने पास बिल्कुल ख़त्म है, टैक्सी या टेम्पू तक बुलाने का पैसे नहीं है अपने पास, और भाई कहीं रहने का भी सिस्टम नहीं है घर से, तो भाई हो ही गए बाहर, अभी क्या कहते हैं कहीं और भी नहीं रह सकते। तो भाई हमारा दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना सिमियोन से पूछ लें गाड़ी के लिए, भाई माइकल ने उसकी कंपनी में इतने मतलब जो उसकी कार डीलरशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे डाल रखे हैं भाई, 50% की इक्विटी है, तो अभी उसे तो पता नहीं होगा जहाँ तक है, हमें ऐसा लगा था मतलब एटलीस्ट कि उसे नहीं पता होगा कि हमारी माइकल से के साथ में लड़ाई बज रखी है, लेकिन भाई सच्चाई कुछ और है। हमने भाई सिमियन के पास फ़ोन करा कि भाई हमें कोई गाड़ी वाड़ी चाहिए अभी तुरंत की तुरंत, तो उसने कही कि तुम्हारी जो है माइकल के साथ में लड़ाई बज रखी है, और माइकल ने कही कि किसी भी तरीके से मतलब अगर हम पैसे भी देना उसे तो भी हमें गाड़ी देने के लिए मना करी है उसने सिमियोन को, क्योंकि अगर सिमियोन क्या कहते हैं हमारे साथ में इन्वॉल्व होगा तो शेख को क्या कहते हैं ये शक हो सकता है कि माइकल भी इन्वॉल्व है हमारे साथ, तो वो ये चाहता नहीं, तो इससे उसने सिमियोन से भी गाड़ी वाड़ी देने को मना कर रखी है, तो भाई वो भी क्या कहते हैं बात ख़राब हो गई। फिर भाई हमने करा ट्रैवर को फ़ोन, क्योंकि भाई ट्रैवर ने भी एक बार कही थी कि कभी भी मैं जो तो और मतलब माइकल के साथ तुम्हारी लड़ाई वड़ाई बच जाए तो मुझे बता देना फ़ोन कर देना, तो भाई पहले तो हम इसलिए नहीं करते थे ट्रैवर को फ़ोन कभी भी, क्योंकि मिनिस्टर था वो बहुत बड़ा, उसने कही थी जब सबको अलग होना था कि तुम मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रखना बंद कर दो, तुम्हारी फैमिली से भी किसी को कॉन्टैक्ट रखना चाहिए, लेकिन भाई अब तो हम बिल्कुल अलग हो ही गए माइकल से, तो अब तो वो रूल हमारे ऊपर अप्लाई होता नहीं, तो इससे क्या कहते हैं हमने ट्रैवल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई ट्रैवल का भी फ़ोन वोन नहीं लगा, या तो उसका नंबर चेंज हो गया होगा क्या होगा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रैवल का भाई फ़ोन नहीं लगा, और अभी क्या कहते हैं पैदल पैदल ही चलना है, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास इस टाइम। तो भाई लोग अभी लाइट चली गई, फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जब तक चलती है चलती है, ठीक है। और अभी भाई मेरे पास फ़ोन आया था उस मॉडल का जिसे भाई माइकल ने लाने के लिए कही थी, और भाई हम एकदम से उसे छोड़ के भाग गए थे, तो उसने पूछा था कि भाई मूवी के लिए आना है नहीं, तो भाई अभी जो है हमने उसे बुला लिया है एक जगह पर 2-3 घंटे बाद, और हम वहीं जा रहे हैं चल के। तो भाई लोग अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और यहाँ पे बुलाया हमने इसे एकदम सुनसान सी जगह पे मिलने, और अभी भाई ये क्या कहते हैं यहाँ पे जैसे आई थी थोड़ी देर पहले तो एक लौंडे के साथ आई थी, वो भाई उसने भाई से थोड़े से पैसे भी दिए थे, तो अभी भाई हमें क्या कहते हैं इसे ठोकना है, तो भाई अभी अपने पास कोई हथियार वथियार तो है नहीं,
ऐसे करके और ये दवाई, ठीक है भाई। अभी ये क्या करते हैं, यहाँ पूरा अंधेरा सा इलाका है तो यहाँ पे किसी को पता भी नहीं लगने का। इसके पैसे हमने ले लिए, हमें क्या कहते हैं इसके पास से करीब करीब $150 मिले हैं। उससे क्या है अपना खाने का रहने वहने का सिस्टम हो जाएगा। और हमें इसे क्या कहते हैं ये जो है डस्टबिन साइज के अंदर डालना है। आज के लिए तो हम कहीं पर रह सकते हैं और खाना वाना भी खा सकते हैं, तो कहीं दूर जा कर रहने के लिए जगह ढूंढते हैं भाई। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है भाई। अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो रखी है और भाई सामने से शहर देखा है, क्या मस्त लग रहा है। और अभी जो है हमने एक होटल भाड़े पे ले रखा है और हम छत पे आए हुए हैं उसकी। और भाई अभी काफी ज्यादा गलत सीन हो रखा है, एक तो उस लोंडिया की भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी जिसे हमने ठोका। अभी मुझे लग रहा था कि गेम बड़ा सही है, मतलब ऐसा एकदम सही शुरू होते ही अमीर से बंदे थे हम, भाई जैसी दे में या सब गड़बड़ हो गई। और क्या कहते हैं भाई हमारे पीछे थोड़ी बहुत देर पुलिस भी लग जाएगी जब भाई बात खुलेगी ये वाली। और हमारे पीछे भाई शेख तो लग ही रखा है, पुलिस से भी ज़्यादा बड़ी बात है शेख की। पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन भी जहाँ तक खत्म नहीं होने की, जब तक उससे पहले भाई शेख ठोक ठाक भी देगा। उसने जहाँ तक है भाई किसी को भेज भाज भी दिया होगा अभी तक हमारे पीछे, बस वो जहाँ तक हमें ट्रैक नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी अपने फ़ोन से अलग। और भाई अभी क्या कहते हैं हमें कोई प्रोटेक्ट वोटेक्ट करने वाला है नहीं, हमारी हेल्प करने वाला। और आफत हमने बहुत सारी ले ली सिर पे, तो देखते हैं अब क्या होता है। क्योंकि भाई वो शेख जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है भाई, उसकी लोंडिया के साथ में जब भी वो कहीं पर जाती थी ना तो भाई एक प्राइवेट जेट में खुद चलती थी, उसके पीछे एक कार्गो प्लेन लोड होके और भाई उसमें दो टैंक और भाई एक अटैक चॉपर साथ जाते थे उसके सुरक्षा के लिए। और वो जो है उस देश में एयरपोर्ट पे रुक जाते थे। भाई हमारे पास वो गाड़ी से इसलिए आई थी क्योंकि शहर के अंदर टैंक वैंक लाना अलाउड नहीं होता, तो इसलिए गाड़ी से आई थी। तो भाई लोग आज वाली वीडियो बस इतना ही भाई, आज हमने एक नया गेम ट्राई करा और भाई उसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा तकड़ी लगी मुझे। तो तुम्हें कैसी लगी स्टोरी लाइन तुम्हें जो है कमेंट से बताना है। और भाई अभी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो रखा है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में इस गेम में, तो देखते हैं भाई ये कैसे कैसे सर्वाइव करता है, क्या होता है भाई। मुझे तो लगता है सर्वाइव भाई करने वाला है ये बंदा इतनी ज़्यादा मुसीबत से, ठीक है भाई। एक लेवल होता है मुसीबत का भाई, इतना पावरफुल चेक इसके पीछे लग रखा है। अभी क्या कहते हैं थोड़ी बहुत दिन में पुलिस केस ही बनने वाला है और भाई कोई साथ वाथ देने वाला है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। आज वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और भाई फैला दो अपने दोस्तों में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेम है, तो मुझे भी यार थोड़ी सी मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना ऐसी वीडियो बनाने के लिए कि हाँ भाई कुछ है ना, मन करना चाहिए वीडियो बनाने का अंदर से। और वो जब भी करेगा जब क्या कहते हैं तुम लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करोगे, है ना, फैला दो इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।